के साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम गुरुग्राम के वार्ड दर वार्ड में आगे जा रहे हैं और लोगों की क्या परेशानियां हैं, लोगों को क्या सुविधाएं दी गई, क्योंकि पार्षद चुनाव होने ही वाले हैं। डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कभी भी तारीखें डिक्लेयर की जा सकती हैं। तो पार्षद साहब ने क्या कराया, क्या नहीं कराया, वो जानने के लिए इस वक्त मैं खड़ी हूँ गुरुग्राम के वार्ड नंबर 3 में। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये सेक्टर 21 का हिस्सा है और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, सड़कों के क्या हालात हैं। हमसे एक जनाब कुछ कह रहे हैं, अपनी गाड़ी रोककर जरा इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, ओके। We can understand. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब तक आवाज शायद नहीं पहुंची होगी, मैं बता दूं, दिस इज नॉट गुड फॉर बीजेपी, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर पार्षद, जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद रहे हैं। क्या लोग इन तस्वीरों को देखते हुए, जो यहाँ से एकदम धक्कम धुक्की झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, अब जरा देखिए कि बड़े से बड़े वाहन, छोटे से छोटे वाहन को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और ये इलाका है, ये हुडा के प्लॉट है, यहाँ के बाशिंदे इसे डिस्प्यूटेड लैंड कहते हैं और इनका ये भी कहना है कि सिवरेज को लेकर यहाँ पर कुछ इस तरह से अपने फायदे के लिए काम कराया गया कि ये सेक्टर का जो हिस्सा है ये नीचे पड़ गया। सड़क के ठीक इस कोने पर एक पंक्चर की दुकान हमें मिली, जहाँ पर काफी व्यस्त दिख रहे हैं ये पंक्चर बनाने वाले, आइए इनसे बात करते हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये दुकान आप जो यहाँ पर चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं? 7-8 साल हो गए जी। 7-8 साल, यानी पिछले पार्षद का काम तो आपने बखूबी देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। कुछ कराया उन्होंने? ना, इधर तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे पानी लग रहा है, पूरे नालियां जाम है यहाँ। बारिश हो ना हो पानी लगा रहता है? पानी लगा रहता है, नालियों का पानी आता है, जो है नाले का पानी आता है यहाँ पे, लग जाता है, हर समय पानी लगा रहता है यहाँ पे, हर समय। हाँ जी, ये 12 मास की कहानी। हाँ, 12 मास की कहानी है। तो आप लोगों ने या फिर यहाँ के लोगों को आपने कभी शिकायत करते हुए देखा हो? नहीं, नहीं नहीं, हमने किसी से शिकायत नहीं करी, किसी से कुछ नहीं हुआ यहाँ। पार्षद जी आते ही नहीं यहाँ पे? ना ना, यहाँ वोट लेने आए थे। यहाँ तो हमने किसी को देखा ही नहीं जी। पार्षद को देखा ही नहीं है? नहीं जी। बहुत बड़ी बात हो जाती है ये कि पार्षद को तो हमने यहाँ पर देखा ही नहीं है। 4-4 फुट पानी यहाँ यहाँ तक पानी जब भरा हुआ हो, वो भी नाले का, तो उस इलाके की बदहाली आपसे मुझे नहीं लगता और ज्यादा विस्तार में समझाने की जरूरत है। एक और हमारे साथ जनाब हैं, इस गांव के ही रहने वाले हैं। आपका शुभ नाम? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी, कृष्ण भगवान को तो सब पता होता है, आप यहाँ के बाशिंदे, आप अच्छे से जान रहे होंगे कि यहाँ पर क्या काम कराया है पार्षद ने और क्या नहीं। काम देखा जाए तो कुछ भी ना रहा, आपके सामने देख लो, पहले तो यही 5-5 फुट 4-4 फुट बरसात में हो जाए। ये तो गंदा नाला का पानी है, अभी नाले का पानी, ये नाले का है, सीवर वगैरह का पानी है। बारिश में और ऊपर आ जाएगा? बारिश में और ऊपर आ जाएगा, बारिश होते यहाँ के बंदा गाड़ी कुछ भी निकल नहीं सके। पार्षद साहब तो कहते हैं कि 80% विकास का काम हमने करा दिया। देखो, हम तो कह 50% बता दो कहाँ पर करवाया, 50% दिखा भाई कहाँ पे किया है। हम आगे बढ़ेंगे इस वार्ड में, और भी गलियों में जाएंगे और ज्यादा लोगों से बात करेंगे, क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक बार जरा फिर से इधर मोड़ लीजिए, मैं एक बार फिर से इस सड़क को दिखाना चाहूंगी। मैं दरअसल अपनी खुद की आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ये किसी सेक्टर का मुख्य रास्ता कैसे हो सकता है। लोगों ने बताया तो ये पता चला कि ये नाले का पानी है, ऐसा लग रहा था जैसे कि रात भर बरसात हुई हो, 3-4 दिन से बारिश हुई हो और उसके बाद ये 4-4 फुट का पानी यहाँ पर लगा हुआ है। आगे ये सड़क और जहाँ तक जाती है, जनकपुरी तक ये रास्ता जो है वो जाता है, ये सड़क जहाँ तक जाती है वहाँ तक ये पानी इसी तरह से लगा हुआ है। बड़ी गाड़ियाँ या जो ये बड़े व्यस्क लोग हैं, जो बाइक पर निकल रहे हैं या ऑटो में जा रहे हैं, उनका तब भी ठीक है, अगर कोई बच्चा ट्यूशन जाना चाहे, कोई बुजुर्ग बाजार जाना चाहे, कोई पार्क का रास्ता लेना चाहे, आप एक ये लाल मंदिर देख रहे होंगे, कोई यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आना चाहे, तो वो किस रास्ते से आएगा, किस तरह से आएगा, क्या ये बताएंगे यहाँ के पार्षद साहब कि उन्होंने काम क्या कराया है। हम आगे बढ़े इससे पहले लोग खुद रुक रुक कर हमसे बात कर रहे हैं। आपका नाम? संदीप। यही के हैं आप? हाँ जी। पार्षद ने कुछ कराया है? नहीं, कुछ नहीं कराया मैडम, ये तो हर बार बारिश में ये हालत होती है यहाँ की। तो ये तो नाले का पानी है ना? नाले का, गटर भी लीक होते हैं। गटर भी लीक होते हैं? हाँ। पार्षद से आप लोगों ने कभी कुछ कहा नहीं? मैम, हम जाकर कहें, हमसे पहले पता नहीं कितने लोग बोल चुके हैं। तो पार्षद क्यों काम नहीं कराते? अब क्यों नहीं कराते इसका तो कुछ, ये तो वोट देने वाला पूछेगा ना कि भाई आपको वोट दिया, काम क्यों नहीं करा रहे? ये गटर लीक हुए पड़े हैं, रोड का भी आप देख रहे हो, ये बीच में खड्डा हो रखा है। ये मशक्कत रोज करनी पड़ती है? रोज ही है जी, ये रोज का आलम है। इस बार पार्षद
इन्हीं को चुनेंगे या दूसरा चेहरा ढूंढ रहे हैं? नहीं, फिर इनको क्यों चुनेंगे? जो काम करवा देगा मैम, हम तो उसको वोट दे देंगे। अभी जो आप नजारा देख रहे हैं ये उस गली का है जिसे यहाँ के लोग मुख्य गली कहते हैं, उस रास्ते के लिए जो रास्ता यहाँ के सरकारी स्कूल को जोड़ता है। 5000 बच्चे हैं इस स्कूल में, वो 5000 नन्हे कदम इन रास्तों से होते हुए कैसे आते होंगे और कैसे वापस जाते होंगे, सही सलामत पहुंचते भी नहीं होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब पार्षद को यहाँ आकर देना चाहिए, ये कहने से पहले कि हमने तो काम ही काम करवाए हैं। नारकीय जिंदगी है, नारकीय से भी कहीं कोई और बड़ा भारी भरकम शब्द आपके जहन में हो तो आप यहाँ पर खुद से एडिट कर ले, जोड़ लें। यहाँ के लोग यहाँ पर सांस कैसे लेते हैं वो भी बहुत मुश्किल है। हर एक कदम जो कमर तोड़ दे वहाँ सरकार सलामत है। एक दुकानदार है यहाँ पर, हालांकि आप देख रहे हैं सैकड़ों निगाहें यहाँ पर उम्मीद के साथ हमारे कैमरे की तरफ, हरियाणा न्यूज की पूरी टीम की तरफ देख रही हैं कि शायद मीडिया यहाँ आ गई, हरियाणा न्यूज ग्राउंड जीरो पर आ पहुंचा तो पार्षद जी भी आ जाएंगे और कम से कम वोट लेने के लिए ही सही इस गली की तस्वीर बदलेंगे तो शायद इनकी तकदीर बदल जाए। क्या ऐसा कुछ भरोसा है इन्हें? चाचा क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश देवी वाला। ओम प्रकाश जी, हाँ जी। ओम प्रकाश जी, कब से दुकान है आपके यहाँ पे? काफी समय हो गई, 30 साल के करीब हो गई। 30 साल यानी कि 3 दशक यहाँ की स्थिति यही रही? हाँ, कुछ बीच में ठीक रही, बाकी ज्यादातर यही रही। पार्षद जी आई थी यहाँ पे वोट मांगने? पार्षद जी तो आते हैं जी, वोट तो मांगने सभी आते हैं। सभी आते हैं, काम कोई नहीं कराता? काम तो ऐसे होता है। इस बार वोट देंगे या नहीं देंगे? मेरी तो वोट नहीं है जी, बाहर गाँव में तो। अच्छा, आपका वोट ही नहीं है यहाँ पे, आप ऐसे ही भुक्त भोगी हैं? मैं तो यहाँ दुकान किराए पे ले रखी है। अच्छा, लेकिन 30 साल से दुकान तो चला रहे हैं, कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो आपके सामने ही सारी। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अभी एक महिला के साथ हादसा हुआ, हम बात करना चाह रहे थे लेकिन वो नजरें चुराती हुई यहाँ से निकल गईं क्योंकि बहुत भयानक और बुरा हादसा हुआ उनके साथ। लोग हंस रहे थे जो नहीं करना चाहिए लोगों को, और इसलिए वो चली गई। लेकिन कुछ और महिलाएं हैं हमारे साथ। अरे रुकिए मैडम, डरिए मत, मैं भूत थोड़े ना हूँ, आप ही के जैसी हूँ, आपसे बात करने आई हूँ। हेलो हाय तो कर सकते हैं हम। क्या नाम है आपका? लालती। आपके इयररिंग्स तो बड़े अच्छे कमाल के हैं। आप यहीं की हैं? नहीं। कब से रह रही हैं? नहीं, नहीं, रहती हैं यहाँ पे? हाँ, हाँ, कब से रह रही हैं? अरे 15-16 साल से। 15-16 हाँ, साल से। ये गलियाँ ऐसी हैं? हाँ ऐसी है। कभी नहीं बनी? नहीं, कभी नहीं बनी। यहाँ पे लोग वोट मांगने तो आते होंगे? वोट मांगने तो आते हैं मैम, मगर कोई रोड बनाने नहीं आता और सुबह में इतनी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, बारिश होती है तो ड्यूटी नहीं जा पाता, कोई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हम लोगों को इतनी दिक्कत होती है, मार्केट वगैरह करने में काफी कुछ होता है, मगर यहाँ पे विकास नहीं होता, बाकी सब होता है। बाकी सब होता है, विकास तो नहीं हुआ। मेरे को भी यहाँ पे हो गए 15-16 साल आराम से हो गए, बच्चे हमारे यही पढ़ रहे हैं, बहुत काफी कुछ दिक्कत होती है यहाँ पे, मगर किसी ने ठीक नहीं किया। काफी प्रधान आते, काफी सब आते हैं, मगर कोई मतलब हम लोगों की प्रॉब्लम ठीक करने नहीं आता, अपने सब ले आते हैं, अपना स्वार्थ साथ बस आते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए आते हैं। हाँ, सेल्फिश ही है एक तरह से वोट मांगने। क्या परेशानियाँ और आती हैं? पानी, नाली, नाली की भी है, पानी की है, बच्चे का स्कूल सुबह ले जाती हूँ, पूरे कीचड़ में डाल डाल के पैर जाती हूँ, उतना ही परेशानी है। पूरा ड्यूटी सुबह सुबह लोग जाते हैं, उसकी परेशानी है, इतनी परेशानी है कि कहने का नहीं है। आइए बच्चा पार्टी से हम बात करते हैं, स्कूल कैसे जाते हैं? अरे आओ बच्चों, भागो मत, आओ। अच्छा, बड़ी मुश्किल से इन गलियों से वो स्कूल तक पहुंचते हैं। अब एक और परेशानी नहीं चाहिए कि कैमरे के आके बोले, आगे आके बोले, शर्मा रहे हैं, थोड़ा हिचक रहे हैं, छोटे हैं अभी, लेकिन आगे अगर और बच्चे हमें मिलते हैं तो हम उनसे भी जरूर बात करेंगे। एक चाची काफी देर से हमें देख रही हैं कैमरे पर लोगों से बातचीत करते हुए, मन नहीं कर रहा है रास्तों पे आगे बढ़ने का, लेकिन अगर हम नहीं बढ़े तो हम ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट आपको कैसे दिखाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत संभल के आगे बढ़ना पड़ रहा है। कैसी है ताई जी? अरे ताई जी बीमार है, कहीं निकलने को रास्ता ही ना है, कहीं कहा दवाई लेने बिना जान को कहीं मौको। बीमारियां तो यहाँ होंगी ही, ये तो जाहिर सी बात है, जहाँ इतना गंदगी है, इतनी गंदगी है वहाँ बीमारियाँ होंगी, गंदगी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अरे रुकिए इधर जरा, कैमरे की तरफ देखिए, आप बहुत अच्छी लग रही है ब्लू ड्रेस में। आप लोगों के यहाँ पार्षद साहब वोट मांगने आई थी पिछली बार? आई थी जी ना भाई, हमने तो। इस बार पार्षद चुनाव जब होंगे और आपके बीच पार्षद के लिए उम्मीदवार आएंगे, आप लोग किसी को वोट देने के मूड में हो या किसी को भी वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे वोट, वोट देंगे।
कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ कम से कम 4-5 साल हो गए हमें। 4-5 साल से यही हालात है यहाँ पे? ये तो यही है जी, कभी खुदता है, कभी बंद होता है, कभी पानी भरा मिलता है, तो कभी कुछ बहुत दिक्कत। पीछे के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, पीछे ये गली में आप जाके देखो, वहाँ तो जा ही नहीं पाओगे आप। तो काम पर जाते कैसे हैं? ईंट डाल रखे हैं, बीच बीच में ईंट डाल रखे हैं, लोगों ने खुद पानी इतनी पानी भरी पड़ी है, गंदगी है, रास्ते में बाथरूम वगैरह सारा बिखर रहे हैं। मतलब कि सीवर का पानी आ रहा है? हाँ जी। अरे भाई तुम भी बोल लो कुछ। अरे रुको 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 रुको, कहाँ भाग रहे हो? बड़े ध्यान से देख रहे थे कैमरे की तरफ, कोई तो मिले, किसी बच्चे से तो बात करूं। ये कोशिश है मेरी, क्योंकि हर एक चेहरा यहाँ परेशान दिखाई दे रहा है, चाहे वो मासूम हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हमारी ताई जी जैसी हों, लोग परेशान हैं, एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं जो यहाँ पर 3 दशक या उससे पहले से भी काम नहीं हुआ। अभी तक जितने लोग मिले उसमें सबसे ज़्यादा समय का जिसने जिक्र किया, उन्होंने 3 दशक यानी 30 साल का जिक्र किया कि यहाँ की स्थिति यही है, ये तस्वीर नहीं बदली। 3 दशक से जो काम नहीं हुआ वो काम यहाँ पर अगर कोई करवाएगा तो उसे यहाँ का वोट जाएगा। लोगों ने मूड बना लिया है और भी मूड को भांपते हैं। हमारे साथ गंगा भवन के सामने एक ताई जी बैठी हुई है। गंगा भवन आपका है? हाँ। लेकिन गंगा भवन के आगे गंगा जैसी तो कोई बात नहीं है। अरे मुझे बोल उन्होंने, ये नाली का ये हाल कब से है यहाँ पर? अरे ये तो 6 महीना होगा। इसमें नूई टट्टी में ये काल मट्टी डिलवाई है। अच्छा। उल्टी आव है और वो दे वो पानी पीती हूँ मैं, वो जो गंध है ना वो सारी गंध उसमें नाली में जाती है। अच्छा। और उसको पानी पीती हूँ मैं। ये पानी आता है घरों में? और क्या करे, मरे पिसाया तो मरा जाता है। अरे जो पिसाया हुआ आदमी मरेगा तो पिएगा तो जरूर, और इस गंध में सड़ जाती हूँ, कहाँ निकलूंगा? डंडा का सहारा 4 बार तो पड़ लगी है, बूढ़ी सुने ना सामने ना, और यह गंध और खानी पड़ती है, मुझे क्या करूं? कितनी परेशानी है, बुजुर्ग यहाँ पर कैसे निकलेंगे? जाहिर सी बात है जब हमारे कदम यहाँ पर नहीं टिक रहे, यहाँ मुस्टंडे नहीं है इधर से उधर जा सकते, वहाँ पर बुजुर्ग या बच्चे इस रास्ते को कैसे क्रॉस करेंगे? हमारे साथ एक ताऊ जी हैं। ताऊ जी, पार्षद जी को आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि कभी इस गली में आओ हमारे साथ चाय पानी करो, चाय नाश्ता करो? कोई नहीं आता जी, कौन आवे? काम कराने के लिए तो नहीं आते, ठीक है, यहाँ बुला के उन्हें बिठाया है यहाँ पे? अरे कौन बैठता है, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। नहीं नहीं आए। क्यों नहीं, काम नहीं कराना चाहते? कौन काम करके ही ना दे, कराना क्यों नहीं चाहते? करके ही ना दे कोई भी, ये 2 महीना हो गया इसने खुजा पड़ाना है। हाँ। नुका कभी ये पाइप पानी का पाइप डाला है? आप लोगों ने शिकायत की थी? शिकायत तो नहीं की है। तो शिकायत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? बोलना पड़ता है ना कि आप काम क्यों नहीं करा रहे? ये तो नहीं कही, कहा ही नहीं आपने, तो ये यहाँ तो आपकी अपनी गलती आप मानेंगे। इस बार किसे पार्षद चुनेंगे, पुरानी पार्षद जो रही है या नया चेहरा ढूंढ रहे हैं? देखो जी, इस चीज का तो क्या पता पड़े, पब्लिक को प्रभाव है, मेरे एकले से क्या होगा जी? आप किसे वोट देंगे, नया चेहरा ढूंढ रहे हैं या पुराने को चुन लेंगे? नया चेहरा ठीक है। ज्यादातर जो जानकार होते हैं पार्षद के वो एक दफा में बोलते नहीं है कि हमें नया चेहरा चाहिए। 2-3 लोग हमें इस सड़क पे, अब मैं इसे क्या कहूँ, नाली कहूँ, सीवर कहूँ या सड़क कहूँ, हाँ किसी ने पीछे से चिल्ला के कहा कि गटर कहो, गटर ज्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। मैं इस पर आगे कैसे बढ़ूँ, मैं कोई तरकीब निकालती हूँ? तेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया। बेटा जे मीठा मुंह कराना पहला सीएम मनोहर लाल का करा। नहीं मारे पर गे गरीबा ने कौन नौकरी देवे था? ठीक है रिसमा, 1000 मनोहर दिन नौकरी मिले सिफारिश बिन, मनोहर राज का ढंग निराला, ना भर्ती ना धरती में होता बंदर बांट बटाला, काम करण का मनोहर लाल ने लटसा गाड़ दिया। ग्रुप
प्रोग्राम के वार्ड नंबर 3 में ही हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक बार संजीव जी, हमारे कैमरामैन हैं संजीव, जरा इन बिल्डिंग्स को दिखाइए। ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, ये ऊंची ऊंची इमारतें, दोनों साइड हैं, दुकानें भी हैं, और इनके पीछे की हकीकत कुछ हम दिखा चुके हैं, कुछ अब हम और दिखा रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हुए आपको दिखाएंगे। जरा आप इनकी तरफ मोड़ लीजिए, काफी देर से ये हमसे बात करना चाह रहे हैं। आपका शुभ नाम? संजय यादव। यादव जी, यादव ही यहाँ की पार्षद रही थी मोनिका जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या काम कराया उन्होंने? उन्होंने आपके सामने जी क्या काम कराया, सारी गली टूटी हुई है, कोई पानी की पाइपलाइन नहीं दबी हुई है, देखो कितनी पाइपलाइन जा रही है खाली। कई दफा कंप्लेंट कर चुके हैं, सारी जगह जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गली के बीचों बीच समरसीबल उन्होंने खुलवाया है? मेरे को नहीं पता पूरी बात। आपको नहीं पता है, ठीक है, ये बाहर के हैं, गलत जगह माइक हम ले गए। आप ही बताइए, गली के बीचों बीच जो ये समरसीबल का काम हुआ है, ये पार्षद ने करवाया है? ये पार्षद ने कराया था, ये इलीगल है। लेकिन ये इनलीगल है। दूसरी बात ये है, ये जब से समरसीबल हुआ चल नहीं रहा है, हमें इस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। समरसीबल का जो यहाँ पे वाटर सप्लाई गई हुई है उसकी कोई लाइन नहीं दबी हुई अंदर तक, सारे पाइप ऐसे गए हुए हैं। यहाँ पे इतने मच्छर हो रहे हैं, इतनी बीमारी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी में बैठे हुए हैं। जहाँ गंदगी होगी वहाँ मक्खी मच्छर तो होंगे ही। चाचा जी, आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह। यहीं के हैं आप? नहीं, छतरपुर से आए हैं। आए हैं आज घूमने आए हैं? दुकान कैसा लगा यहाँ पे आके? नहीं, यहाँ का तो अच्छा लगा, गंदगी का तो कोई अच्छा नहीं लगा। अभी आप मेन रोड पर हैं? मेन रोड भी टूटी हुई सड़कें हैं, लेकिन भीतर के हालात से तो बहुत ज्यादा बेहतर है। बात करोगे आप हमसे? स्कूल जाते हो यहाँ के सरकारी स्कूल में? यस। लेकिन वो रास्ता तो बहुत गंदा है, कैसे जाते हो आप? उसी गंदा रास्ता से जाते। उसी गंदे रास्ते से? कभी गिरे हो? यस। रोजाना होता है ऐसा कुछ? स्कूल ड्रेस खराब हो जाती है? यस। टीचर बोलती है? हाँ बोलते हैं। घर में आके बताते हो कि कितनी मुश्किल होती है जाने के लिए? हाँ बताते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं दुख करके पढ़ो लिखो, स्कूल तो जाना पड़ेगा, क्या करे, स्कूल तो जाना। नाम क्या आपका? आदि। आदि, आदि इनका नाम है, लेकिन इस शहर ने ऐसी कोई आदि, कहते हैं ऐसा कोई शुरुआत देखा नहीं है, कोई अंत नहीं है इस नारकीय जीवन की। आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, मुझे एकदम आपने चंद्रशेखर आजाद की तरह। बिल्कुल मैडम, यही के हैं? जी यही का ही हूँ मैम। यहाँ के हालात जो हैं बड़े खराब है जी। मैं रोज देखता हूँ यहाँ पे 3-4 घंटे पानी ऐसे बहता है, पानी गुड़गांव में वैसे नहीं है। MCG को भी मैंने बहुत बार इंटरनेट से नंबर लेके कॉल करने की कोशिश की है, पर कोई रिप्लाई नहीं है। मेल भी डाली है मैंने, कोई रिप्लाई नहीं है। पानी इतना बहता है, बेहिसाब पानी बहता है यहाँ पे। पार्षद जी ने कुछ नहीं कराया? मैडम ये तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, नहीं काम हुआ है तो बोलिए फिर। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है कि ये किसने कराया, क्योंकि मैं, मेरा ऑफिस है बस यहाँ पे ऊपर। अच्छा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ पानी शाम को 4-5 बजे स्टार्ट होता है। हाँ। और 9:30 बजे तक रोड पे ऐसे बहता है बुरी तरीके से, कोई देखने वाला नहीं है। चलिए, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। और अब हम उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर निवर्तमान पार्षद के मुकाबले इस दफा चुनाव में खड़े होने का मन बना चुके हैं। हमारे साथ पवन यादव जी हैं। नमस्कार मैडम, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप हमारे वार्ड में आए और हमारी बद से बद हाली को देखने का मौका आप लोगों को मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा वार्ड नंबर 3 है, ये हरियाणा का पहला गाँव पड़ता है जो दिल्ली से शुरू होता है, और इस गाँव को अब तक 23 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है अपने प्रोग्रेस के लिए, और सारी चीजें आपके सामने है। रोड हमारे गांव में बिल्कुल भी नहीं है, सरकारी स्कूल के आपने हालत देख लिया, बिल्कुल नहीं है, नाले टूटे पड़े हैं, लोग परेशान हैं। और मैं पार्षद साहब से पूछना चाहता हूं, मोनिका यादव जी से, कि आपने 24 करोड़ रुपए का किया तो क्या किया? ये जवाब उनको देना चाहिए। हाँ। कि उन्होंने 24 करोड़ रुपए का किया तो क्या किया, क्योंकि इससे पहले हम जितने वार्ड में होकर आए पवन जी, वहाँ पर ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि अनअप्रूव्ड एरिया है इसलिए फंड नहीं मिला, यहाँ करोड़ों की फंड मिली फिर भी काम नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, इच्छा शक्ति की कमी थी या नियत में खोट? मैडम मैं तो दोनों को कहूंगा, इच्छा शक्ति की भी कमी थी और नियत में भी खोट था। क्योंकि काम करने का कोई मार्गदर्शन ही नहीं था उनके पास कि काम कैसे करा जाएगा, कोई उनके पास प्लान ही नहीं था। कभी मन में आया तो वहाँ काम करा दिया, कभी मन में आया यहाँ काम करा दिया, ना यहाँ पे काम पूरा हुआ ना वहाँ पे काम पूरा हुआ। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब तो वो उस कुर्सी पर रहे भी नहीं है, इस चीज का जवाब कौन देगा? क्योंकि सरकारी कागजों में तो हम लोगों को 24 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और बार बार सरकार हमें देने वाली नहीं है पैसे। अब आगे जो पैसा मिलेगा वो तो सिर्फ मेंटेनेंस का मिलेगा। इस बार आप ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि वो भी जब आए थे वादे करके आए थे, आप भी वादे करके आओगे, तो आप में अलग क्या है? देखिए मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़े वादे जनता से करता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात ये कहता हूँ कि एक जनता की मूलभूत सुविधा क्या चाहिए, साफ पानी,
पक्की सड़कें और साफ नाली, ये तीन चीजें मैं जनता को दूंगा ही दूंगा, ये मेरा वादा है। देख लीजिए पवनजी, अगर चुन ली, अगर चुन लिए गए तो इन गलियों में इन लोगों के बीच हम फिराएंगे। मैंने आपको खुद मैं यहाँ लेके आया हूँ, मैंने आपको बदहाली दिखाई है और मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हरियाणा न्यूज का, जो हमारे साथ आए हैं आप लोग और हमारी समस्याएं हो सकता है सरकार तक पहुँचेंगी। चलिए बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। कुछ महिलाएं झांक भी रही है, बात सुन रही है, इंटरेस्ट आता है। अब तस्वीर बदलेगी क्या इन गलियों की, अब तकदीर बदलेगी क्या हमारे इलाके की, जहां हम रोज रहते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने, ट्यूशन छोड़ने, वहां से वापस लेने जाते हैं, जहां से हमारे पिता, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बहुएं ऑफिस की ओर जाती हैं। कम से कम वो सड़कें दुरुस्त हों, वो नालियाँ जहाँ से गंदा पानी बहता है वो नालियाँ दुरुस्त हों, सीवरेज की समस्या खत्म हो, साफ पानी तो पीने को मिले। आप उस बुजुर्ग महिला को अभी तक जरूर याद कर रहे होंगे जिन्होंने ये कहा कि मैं ठीक से चल नहीं पाती हूँ, अपने गेट पे अगर बैठती हूँ तो बदबू का ये आलम है कि सांस रुकने लगती है और मैं रोज़ देखती हूँ कि मैं कहाँ का पानी पीती हूँ। इस सीवर के उन्होंने उसको गटर नाम दिया, जिसे पार्षद जी यहाँ पर सड़क कहती हैं, वहाँ से वो पाइप बिल्कुल ऊपर से होती हुई आती है जो गंदगी में पूरी तरह से सनी हुई है। यहाँ से अब और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने पूरे भारतवर्ष की, एक तरह से आप ये कहिए कि राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का नमूना साइबर सिटी के इस एक पोर्शन में देख लिया है। गिलास के चुनाव चिन्ह पे यहाँ से पिछली दफा पार्षद बनी थी मोनिका यादव। अब जब हम वार्ड में घूम कर आए तो लोगों ने तमाम समस्याओं के साथ साथ पानी की समस्या भी गिना दी, यानी कि उनके गिलास में साफ पानी उन्हें नहीं मिल रहा। आप खुद ही देख रहे थे, सुन रहे थे, मोनिका यादव किसी ज़रूरी काम से बाहर गई हुई हैं और उनको लौटने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। आगे जब किसी और वार्ड के लिए इस तरफ हम निकलेंगे तो हम ज़रूर मोनिका यादव की भी बाइट लेंगे। बाइट से मेरा मतलब उनके बयान से है, आप तक पहुँचाएंगे कि उन्होंने क्या काम किया और अपने काम से वो कितना संतुष्ट हैं। लेकिन मोनिका यादव के पतिदेव हमारे साथ हैं, जो इस बार ये कह रहे हैं कि अगर लेडी के लिए ये सीट रिजर्व नहीं होती है तो वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये हैं विवेक यादव जी, नमस्कार। नमस्कार। पार्षद ने जो काम कराया उसे लेकर लोगों में उतनी खुशी नहीं है जितने कि उनके कार्यकाल के बाद दिखनी चाहिए। देखो, पार्षद के दौरान जो जितना काम इस वार्ड में हुआ है वो मेरे ख्याल से सब आदमी को तो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, लेकिन गांव की मूल समस्या थी पीने के पानी की। वो पीने के पानी के लिए हमने गांव में एक बूस्टर बनवाया जो करीबन 70 लाख किलोलीटर का है। ठीक है, केवल पीने के पानी की समस्या नहीं, मैंने देखा सीवरेज नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं, यहाँ घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आप देखिए 21 सेक्टर का जो मुख्य रास्ता है वहाँ पर आज बारिश नहीं हुई, यहाँ बारिश नहीं हुई ना, नहीं हुई, लेकिन नाली का पानी लगा हुआ है और नालियाँ इतनी सूखी हुई हैं, कचड़े से ऊपर तक अटी हुई हैं। आप कह रहे हैं केवल पीने के पानी की समस्या थी। वो लड़ाई दो डिपार्टमेंट की है, हाँ। हुड्डा और एमसीजी की, हाँ। हुड्डा की वो सेक्टर था, उन्होंने एमसीजी को टेक ओवर दे दिया है, लेकिन वो जो जिस वजह से वो पानी है वो एक मास्टर लाइन है दिल्ली, पुराने दिल्ली गुड़गांव रोड पर, वो पूरी की पूरी भरी हुई है। एमसीजी कहती है कि ये हमारी लाइन नहीं है, ये मास्टर लाइन हुड्डा साफ करता है। हुड्डा डिपार्टमेंट को कई दफा कहा गया, उनके पास गए भी हैं, आरडब्ल्यूएस भी गए हैं, हम भी गए हैं, वो सफाई नहीं करा रहे। लास्ट में अब 3 दिन से हमने एक प्राइवेट सोर्स जो सीएसआर के तहत इंफोसिस कंपनी से 3 मशीनें लेके उनकी 3 दिन से हम सफाई करा रहे हैं। अगले 1-2 दिन में वो पूरी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से लेकर और कृष्णा चौक तक वो लाइन साफ होगी, तब वो पानी निकलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनने में कि अगले 1-2 दिन का आपने जिक्र किया, नहीं तो कुछ दुकानदार हमें दिखा रहे थे, हम खुद देख कर आ रहे हैं कि उनके 30 साल से वो सड़कें नहीं बनी। नहीं, सड़कें तो हुड्डा के पास थी, एमसीजी का तो इसमें कोई रोल नहीं था। एमसीजी के पास तो ये सेक्टर पिछले साल ही आया है, पिछले साल आया तो एमसीजी ने पूरे गुड़गांव का जो हुड्डा मैं डूंढाहेड़ा गांव की सड़कों, मैं वहाँ एक बात कर रहा हूँ, डूंढाहेड़ा गांव की सड़कें तो बनी हुई है पूरी, हम देख कर आ रहे हैं विवेक। आप सिर्फ एक मोहल्ले में गए हैं जो सरकारी स्कूल वाले बोल रहे हैं ना, हमारी स्क्रीन पे साथ में वो तस्वीरें भी, कोई बात नहीं, सरकारी स्कूल की गली के साथ वाली गली का भी वही हाल है। एक ही फेस है, मैंने आपको पहले बताया, हाँ। ये गांव दो हिस्सों में बटा हुआ है, हाँ। दिल्ली रोड से राइट हैंड में पूरा गाँव
जो 70% गांव है वो सड़क, पानी, सेवर, बिजली सबसे कंप्लीट है। जो लेफ्ट में जो गांव है, जो सरकारी स्कूल की तरफ गलियां हैं, 2-3 ब्रांचेस, उनका एक टेंडर हो चुका है। कब हुआ ये टेंडर? ये टेंडर हुआ करीबन 1 साल पहले। तो काम कब तक हो जाएगा? काम 1 साल पहले हुआ था, काम तो 6 महीने बाद पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। जिस ठेकेदार ने काम लिया था, धीरेजंट कंपनी ने, उसने 20-25% जो उनकी भाषा है उसमें उसने बिलो लिया, वो 6 महीने तक तो बंदा काम करने नहीं आया। कुछ आपके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि 24 करोड़ की ग्रांट मिली और वो फंड आपने इस्तेमाल नहीं किया। नहीं नहीं, हमारे को साइलेंटली वो गवर्न का नहीं, पार्षद तो क्या गवर्न कर सकता है पूरे उसमें। नहीं, वो मांग रहे जवाब की 24 करोड़ रुपए। 24 करोड़ नहीं आए, 17 करोड़ की हमारी DPR पास हुई थी। यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ, आप उसमें देख लीजिए। अच्छा, अभी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, वो कितने की बोर्ड, कितने उसमें से 13 करोड़ रुपए उन्होंने प्रिंसिपली सेंक्शन किए थे और उसका हमने सीवर और पानी और सड़क और ये बूस्टर बनवाया। अच्छा, आपने ये काम कराया। उन प्रतिद्वंदियों को आप क्या जवाब देंगे कि साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और वो ये कह रहे हैं कि लोग क्या तो जल माफिया को वोट देंगे, उन्होंने आपको ये कहकर संबोधित किया? नहीं, जल माफिया तो पानी का हमने सप्लाई दिया, जल माफिया तो हम पकड़वा रहे हैं जल माफियाओं को। तो जितने पानी के ट्यूबवेल थे हमने बंद करवाए हैं, वो तो हमने खुद बंद करवाए। तो हम पर उसी के कत्ल का इल्जाम आ गया, कातिल से जिसे की बचाने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही लोग हैं। हाँ। 3-4 जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे उनका लोगों का बिजनेस ही पानी का था। अच्छा जी, वो आपको कह रहे जी, जी तो वो कहेंगे जब मैं उनके खिलाफ हूँ, उनको 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 बंद करा रहा हूँ, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे मेरे खिलाफ, उनको मुद्दा क्या है। चलिए ठीक है, ये हो गई कि गेंद इस पाले से उस पाले में गई, उस पाले से इस पाले में, और हम उस गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं कि स्कोर कितना हुआ, किसने कितना काम किया। इस दफा की बात कर लेते हैं, इस बार के लिए मोनिका यादव जी तो अभी हमसे नहीं मिली जी, लेकिन उनकी तैयारियां कितनी है? नहीं, अगर महिला रिजर्व सीट रही तो डेफिनेटली वो लड़ेंगी, नहीं तो आप लड़ेंगे, नहीं तो जनरल सीट। आप अपनी तैयारी बता दीजिए। पूरी तैयारी हमारी, पहले कितने साल से हम काम कर रहे हैं गांव में और वार्ड में भी, हमने जो एडजाइनिंग वार्ड का हिस्सा है, जहां आप नहीं गए आज, दोबारा मौका मिला तो आपको बुलाएंगे। जो नहीं, हम सब जगहों से घूम के आ रहे हैं, जो इक्का दुक्का इलाका है वो आपसे मुलाकात के तुरंत बाद वहां भी जाएंगे और कोशिश रहेगी। नहीं, आप जैसे एक दफा मोनिका यादव जी से आप भी जैसे पूरे जो मूल विलेज है पुराना उसमें जाएं। बिल्कुल, मैं वहां से होकर आ रही हूं और तभी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि अभी भी आप इस बात को तो स्वीकारेंगे कि अभी भी काम है, बाकी है जो आपको करना है, हाँ या ना? हाँ, बाकी है, काम, तो यानी कि चुनौतियां हैं आपके लिए। जी, बिल्कुल है। इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, ऐसी रास सवाल है। काम करेंगे, अभी इलेक्शन सुनने में आया कि सितंबर के मंथ में हो सकते हैं, हो सकते हैं, डिक्लेयर नहीं जी। तो उसके बाद हमारे जो 2-3 और जो मुख्य एजेंडा में चीजें रहेंगी वो है कि गांव का जो चारों तरफ हमारा गांव ना घिर चुका है उद्योग विहार और इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, और गांव नीचा पड़ गया। अच्छा। तो सबसे जो गांव में अब काम करने के लायक जो चीजें हैं वो गांव के चारों तरफ एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन डले, ताकि जो बाहर का पानी गांव में घुसता है वो ना घुस के उस लाइनों के दौरान बड़े नाले में चला जाए, ताकि गांव बारिश के दिनों में से ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की आप बात कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही मैं अब ये जानना चाह रही हूँ आपसे, पिछली दफा मोनिका यादव, ठीक है, इस बार आप अपना मन बना रहे हैं कि मैं हो सकता हूँ एक उम्मीदवार, लेकिन पिछली दफा मोनिका यादव बतौर आजाद उम्मीदवार लड़ी थी गिलास को हाथ में लिए हुए, इस बार आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे या पार्टी से उम्मीद है, और अगर है तो किस पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे हम, और आपकी दुआएं रही तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हम ही होंगे। अजी बिल्कुल, दुआएं होंगी, हमारी दुआएं हर उस शख्स के साथ हैं, चाहे वो कोई महिला हो या कोई पुरुष उम्मीदवार हो, जो इलाके के लोगों के लिए काम कराए और जनता का भला हो। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से हम उम्मीदवार होंगे। चलिए, गुड लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके लिए भी और तमाम उन उम्मीदवारों के लिए भी जो इस दफा आएंगे चुनावी मैदान में खुद को पार्षद के रूप में बतौर उम्मीदवार प्रोजेक्ट करते हुए। उम्मीद यही करते हैं कि वो काम करें और अपने काम से जवाब दे, ना कि जब सवालों की बौछार हो तो वो ये सोचें कि इसका क्या जवाब हम दे सकते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ अनामिका अजय मिश्रा, हरियाणा न्यूज़।